आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। फिजिक्स गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान फायरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी से थोड़ी प्रॉब्लम बनी है। वो सभी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा रिटर्न पेपर था उसके आंसर की कब तक आएगी। आंसर की को लेकर काफी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है। तो एक आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं कि जो फायरमैन की वैकेंसी है वो काफी समय बाद निकली है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही है, और इसके अंदर आप सभी रिटर्न पेपर अपना दे चुके हैं। जो रिटर्न पेपर था वो आपका 70 नंबर तक का था, 70 नंबर का पेपर आप दे चुके हैं। अभी सभी स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स तो एकेडमी वगैरह में प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल की या प्रैक्टिकल की, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है कि वेट कर रहे हैं कि जब आंसर की आ जाएगी ना तभी जाके हम प्रिपरेशन करेंगे। और आंसर की के लिए दूसरा उनका ऑप्शन ये है कि जो यूट्यूब पे जो कट ऑफ बताई जा रही है उसको लेकर काफी स्टूडेंट्स में असमंजस बना हुआ है कि यूट्यूब पे कट ऑफ जो है वो काफी हाई बताई जा रही है, ठीक है। और हर वीडियो में आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि हर वीडियो में बताया हुआ होता है कि ये अनुमानित कट ऑफ है, यानी एक्सपेक्टेड, ये कंफर्म नहीं होती है। कल को अगर कट ऑफ नीचे रह जाती है और आपका नंबर उसके अंदर आ रहा होता है फिर आप किसी जिम्मेदार ठहराओगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले अनुमानित बोल रखा है। अगर उसके अंदर फिर आगे अगर नंबर आ रहा होगा फिर आप फिजिकल प्रिपरेशन के लिए जाओगे, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन के लिए जाओगे, और उस टाइम आपके पास इतना समय नहीं बचेगा। तो फिर आप तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे और अगर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओनली मॉर्निंग में 1 आवर आपको देना है, 1 आवर ओनली मॉर्निंग में 1 आवर का फिजिकल अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आप आराम से फायरमैन के अंदर फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। और जो मेरा मेन टॉपिक है वो इसी बात को लेकर है कि फायरमैन में फाइनल सिलेक्शन कैसे पाए, ठीक है। तो इस फाइनल सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपका नॉर्मल ये चीज आप और ध्यान दीजिएगा, फायरमैन के अंदर जो लिखित परीक्षा है उसके अंदर कम से कम नंबर बताया गया कि 33% नंबर आपके आने जरूरी है। ऐसा क्यों बताया गया है ये आप एक बार इस पर गौर फरमाएंगे तो आप समझ में आएगा कि जो आपका फिजिकल और प्रैक्टिकल है ना ये काफी टफ है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा लिए जाएंगे, ये नहीं है कि आप सोचेंगे कट ऑफ काफी हाई जाएगी हमारा तो नंबर नहीं आ जाएगा। नॉर्मल 70 में से 24 नंबर लाना जरूरी है, 24 नंबर वाला स्टूडेंट्स में एलिजिबल है। अभी आगे कट ऑफ कितनी जाती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे पहले भी बताया गया है कि इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे जो रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, एक पेपर नॉर्मल क्या होता है ना भाई, हम भी पेपर देके देख लेते हैं कि क्या रहता है। उन्होंने पेपर तो दे लिया, लेकिन पेपर देने के बाद जब प्रैक्टिकल और फिजिकल का देखा, इवेंट्स देखे, तो फिर उन्होंने वो छोड़ के ट्रैक छोड़ के और अपने दूसरे राजस्थान पुलिस में और दूसरी चीजों में चले गए वो। तो इससे ज्यादा फर्क नॉर्मल सा फर्क पड़ने वाला है। तो आप सभी विश्वास में रहे और विश्वास में रहने के बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये मेरी संपूर्ण जानकारी थी आप सभी स्टूडेंट्स को फायरमैन में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको मेरी बात अगर मेरी दी जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगी है तो प्लीज वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मेरा वीडियो जो अभी कट ऑफ को लेकर नॉर्मल में एवरेज है कट ऑफ जो आपका स्टूडेंट असमंजस के अंदर है उसको लेकर मैं आप सभी स्टूडेंट सामने मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए।